आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हक्सली, इज ऑल्सो कॉल्ड। अब ये न्यू सिस्टमैटिक्स एक कॉन्सेप्ट दिया था सर जूलियन हक्सली ने इन 1940s। तो अब हम बारी बारी सारे ऑप्शंस को एक बार समझते हैं। पहला ऑप्शन है फेनेटिक्स। अब फेनेटिक्स में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी की जाती है केवल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। इसमें कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम कंसिडर नहीं करते। और सिस्टमैटिक्स का तो मतलब ही होता है टैक्सोनॉमी प्लस एंसेस्ट्री, यानी कि जो फाइलोजेनी। यानी कि अगर हम सिस्टमैटिक्स को एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो वो होगी सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हमें पढ़ने होंगे हमारे एंसेस्टर्स के साथ, वेयर एज फेनेटिक्स में ओनली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। हेंस ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम आते हैं बी, क्लैडिस्टिक्स पे। अब क्लैडिस्टिक्स में क्या होता है, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ग्रुप्स को एक फाइलोजेनेटिक ट्री में अरेंज करते हैं। एंड क्लैडिस्टिक्स एक सब टॉपिक है न्यू सिस्टमैटिक्स का, यानी कि न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है, पर हम न्यू सिस्टमैटिक्स को क्लैडिस्टिक्स नहीं कह सकते हैं। तो एक बार क्लैडिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। अ स्टडी in which groups are arranged in a phylogenetic ट्री। हेंसी इसका सब टॉपिक है, बट न्यू सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन ये नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम आते हैं बायोसिस्टमैटिक्स पे। अब बायोसिस्टमैटिक्स को हम न्यू सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं बिकॉज ये टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को कम्प्लीटली विद इन अ प्रॉपर वे एक्सप्लेन करता है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोसिस्टमैटिक्स। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम नॉमनक्लेचर देते हैं यूजिंग न्यूमेरिक एल्गोरिथम। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, डी टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक एल्गोरिथम, तो ये बायोसिस्टमैटिक्स का एक सब टॉपिक है, बट ये करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। और कीमोटैक्सोनॉमी में भी हम ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उनका केमिकल नेचर, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी हम एवोल्यूशन को डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए कीमोटैक्सोनॉमी भी हमारा करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। हेंस बायोसिस्टमैटिक्स क्यों करेक्ट आंसर है? बिकॉज ये जो जेनेटिक एवोल्यूशन है उसको और टैक्सोनॉमी को साथ लेके चलता है, इसलिए न्यू सिस्टमैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड बायो सिस्टमैटिक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।